हेलो, आज हम भारतीय सितार की तीसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो पिछले अध्याय में हमने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में लगभग 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो का जिक्र किया था, जिन्होंने इस सितार का आविष्कार किया। तो उस समय तीन तार का प्रयोग उन्होंने किया और जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तो 7 तार तक आ गया। तो वैसे तो हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति के मुताबिक अनेक प्रकार की वीणाएं प्रचलित हैं और थी भी। तो ऐसा है कि विद्वानों के मत अनुसार उन्हीं वीणों में से थोड़ा उसको तब्दीली करके तो ये सितार का आविष्कार उन्होंने किया। खैर, आगे हमने पर्दों के बारे में, जो गिनती में 19 है, के बारे में बताया और सितार के भाग जैसे जुबारी है, तबरी, तुम्बा और डांड, खूंटियां, अटी और तार गहन के बारे में भी विस्तार से बताया। और पहला तार बाज का, स्टील का होता है, ये नंबर 3 नंबर, यानी कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है तार मोटा होता जाता है, जैसे 3 के आगे 4 5 मोटा होगा और उसके नीचे 2 नंबर 1 नंबर 0 नंबर 00 नंबर ये सब क्रमशः पतले होते जाएंगे। ऐसे ही दूसरा जो तार है, जोड़े का तार, जो पीतल या तांबे का भी आजकल प्रयोग कर रहे हैं, तो होता है 2 जोड़े के तार। और चौथा तार गंधार का या पंचम का या मध्यम राग के अनुसार मिलाया जाता है, ये भी स्टील का हो सकता है, पीतल का होगा। और सातवां तार खरज का या खरज पंचम, जो अनुमंत्र में मिलाया जाता है, जैसे पंडित रविशंकर जी, निखिल बनर्जी इत्यादि कलाकारों जो रविशंकर के घराने से संबंधित हैं वो प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हमने ये किया कि सितार पर दाहिना हाथ रखने की विधि बताई, जो अभी हम ऐसे करेंगे कि सिंपल शुरू शुरू में जैसे बिगिनर हैं उनके लिए यह है कि सोफे पर बैठ जाएं और बैठ के और ये अंगूठा बीच में पर्दे के थोड़ा सा नीचे, यानी कि 19 के बाद 20 में पर्दा, तो उसके नीचे अंगूठा रखना है। अंगूठे का स्थान फिक्स रहे, आगे पीछे इसको कोशिश करने के बदलना ही है। अब यहां रख के तो तर्जनी उंगली के साथ तार को इस तरह से इस ऐसे एक्सरसाइज करने के लिए बताया। अब हम ये देखेंगे कि इसके लिए एक ये मिजराबनुमा यंत्र होता है, स्टील का बना हुआ, स्टील की तार का ये इस तरह से मिजराब बोला जाता है। इसको दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में डाला जाता है, इस तरह से ऐसे पहनना। अब इसका प्रयोग आप
बजाने में करते हैं वो ऐसी है कि तार जो है तार के ऊपर आप रखिए और थोड़ा सा इसको इस तरह से, फिर यहां रखिए और आराम से ट्राई करते हुए बजाते हुए। अब इस हाथ की मूवमेंट है वो पहले तो इतना यहां जाएगा और फिर ये थोड़ा ऊपर घूमेगा, यानी कि इतने से हिस्से की पूरी मूवमेंट जस्ट लाइक दिस मूवमेंट। ओके, सितार में इस स्ट्रोक का नाम दा, दा या डा भी बोलते हैं। ये जब सीधा हम स्ट्रोक लगाते हैं तो स्ट्रोक दा का, ठीक, और वापस क्या उल्टा स्ट्रोक लगाएंगे रा, दा और रा, दा रा, दा। अब इसका खूब अभ्यास किया जाना चाहिए जहां तक कि आपको ये दूसरे सुनने वालों को मालूम ना पड़े कि दा बज रहा है या रा बज रहा है एक जैसी, बिना ऊपर वाले तारों के साथ छुए हुए, यानी कि बाकी तारों की आवाज या गूंज आनी चाहिए लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। ये इस तरह से रा दा रा। अब हम ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड बायां हाथ कैसे रखा जाए। इसमें दो उंगलियां प्रयोग होती हैं, सॉरी एक उंगली तर्जनी और एक अंगूठा। अंगूठा सितार के पिछले भाग में, यानी कि ये पिछला भाग या इस तरह से रखा जाता है, ये जो दांत होती है इसके बीच में इस तरह से। और ये उंगली तर्जनी इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है, ये दिस पोर्शन, इसके सेंटर में। तो पर्दे के ऊपर ना रखते हुए पीछे रखना, और ये उंगली इसके साथ हल्की सी, ये उंगली इसके साथ इस तरह से आपके पोजीशन यहां से मुड़ी हुई हो, इस तरह से आप बैठ सकते हैं। अब इसको जब हम दबाएंगे और मिजराव के साथ इसको आगाज करेंगे, अगर हम पर्दे के ऊपर जाकर दबाते हैं तो ऐसी आवाज निकलेगी जो बंद है, लेकिन थोड़ा पीछे और जब हमने स्वर को बदलना है तो अंगूठा और तर्जनी, अंगूठा और तर्जनी जो है वो दोनों इस तरह से, ये अंगूठे का प्रेशर थोड़ा हल्का करते हुए या स्लाइड करते हुए जा सकते हैं। दा, दा। अब देखेंगे हम सितार में सरगम का बजाना। अब देखिए कि खाली जो तार बजाते हैं तो ये मंद्र मध्यम की ध्वनि इससे निकलती है, उसके बाद मंद्र पंचम, मंदर धेवत, शुद्ध निषाद और सा, ये मध्य सा है, यहां से सरगम का आरंभ सितार से किया जाता है।
इससे पहले कि हम सरगम की तरफ बढ़े, तो इसमें एक चीज बताना बड़ा आवश्यक है कि स्वर या नाद क्या है। नाद का अर्थ है ध्वनि आवाज से। नाद दो प्रकार के हैं, पहला नाद या साउंड या ध्वनि, दो किस्म के हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद है कि जो ध्वनि चोट या आघात से उत्पन्न हो, पैदा हो। दूसरा अनाहत नाद, ये अनाहत नाद तो सिद्ध पुरुषों, योगियों, ऋषियों, मुनियों और साधकों की परिभाषा है या उनके उपयोग की चीज है। हमें तो यहां संगीत के प्रयोग के लिए आहत नाद की आवश्यकता है। आहत नाद तो जब किसी भी चीज से दूसरी चीज पर आघात करते हैं या चोट करते हैं या छेड़ते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि में आंदोलन संख्या वाइब्रेशन पैदा होती है। जब वाइब्रेशन ही नियमित अनुसार एक जैसी, जैसे प्रति सेकंड में वाइब्रेशन 240 हो लगातार, तो उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि कानों को प्रिय लगती है। कर्णप्रिय ध्वनि, कर्णप्रिय ध्वनि जो कानों को भली लगे, सुंदर लगे, अच्छी लगे सुनने में, उसे ही नाद या स्वर कहा जाए। अब नाद भी दो प्रकार के हैं, एक नाद है शोरोगुल जिसकी आंदोलन संख्या वाइब्रेशन एक जैसी ना होकर जल्दी जल्दी बदले, वो शोरोगुल में होंगे, और वो ध्वनि जो लगातार एक जैसी और आए वही तो स्वर है। आगे जाकर स्वर की भी आगे विभाजन है, जैसे इंच में सेंटीमीटर, मिलीमीटर इत्यादि। अब इसमें है स्वर में श्रुति, ये श्रुति का विषय कभी आगे जाकर इसका विश्लेषण करेंगे, विख्यान करेंगे। अब तो यह है कि सरगम, तो सरगम का ऐसी है कि सात स्वर शुद्ध, सात स्वर शुद्ध, चार कोमल और एक तीव्र, सात पांच और बारह स्वर, बारह स्वर की कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से सब रागों की उत्पत्ति जाति अनुसार और वादी संवादी के अनुसार इसकी रागों की रचना होती है। राग तो एक स्वरों का एक व्याकरण स्वरूप है, ग्रामर जिसे बोलते हैं। उसमें से कई प्रकार की ध्वनि हम बना सकते हैं आविष्कार करते हुए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।